गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले की बैगा जनजाति आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। इस जिले के जनजाति इलाकों में सरकार की तमाम योजनाएं फेल नजर आ रही हैं। यहां ना तो रहने के लिए अच्छा घर है और ना ही सड़क, स्कूल और रोजगार जैसी अन्य जरूरी चीजें। आपको बता दें कि विलुप्त होती विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति है, जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आजादी के बाद से ही प्रयास सरकार कर रही है। लगातार योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम हो रहा है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी स्थिति से बदतर है। गोरिल्ला जनपद के आमाडोब पटपरी पर छोटकी रेवार में रहने वाले बैगा समुदाय अब भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ग्रामीण पानी के लिए दूर नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गांव जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है गांव में, जो अब जर्जर हो रही है। वन संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण में इस समुदाय का विशेष हाथ होता है। ये मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकाल रहे हैं, बाजारों में बेचकर गुजर बसर करते हैं। इन गाँव के कुछ पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं, जबकि इस समुदाय के लिए विशेष आरक्षण के हिसाब से मैट्रिक करने के बाद विभागों में नौकरी का प्रावधान है। बैगा जनजाति उत्थान योजनाओं को जिला प्रशासन इन लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाने में नाकाम नजर आ रहा है।